प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने जो है वो ओपीएस बहाल कर दिया। अभी कैबिनेट में कुछ देर पहले फैसला हुआ है और हम जसिमपुर में है और जसिमपुर में एनपीएस कर्मचारी हैं, उन्होंने पटाखे फोड़े हैं और अब हम इनसे बात करते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। हमारे साथ एनपीएस संघ के प्रधान हैं हरीश जी हैं और बाकी अन्य भी हैं। हरीश जी क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सभी को। इस मैं तो बोलूँगा कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा पर्व है, लोहड़ी पर्व भी, और जो ओपीएस बहाल हुई है और ओपीएस को बहाल होने में लगभग 20 साल लग गए, इसके लिए सभी साथियों को प्रदेश सरकार को बहुत बधाई, जो कि जिन्होंने अपना वादा किया था कि फर्स्ट कैबिनेट में ही ये उनकी मांग जो थी जो काफ़ी टाइम से लंबी थी और उसको पूरा किया। तो मैं अपने एनपीएस से संघ ब्लॉक लंबागांव और हिमाचल की तरफ से प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने अपना वादा पूरा किया है और हमें अब बहुत ही मतलब अच्छा, अब हमें ऐसा लग रहा है कि अब हम सिक्योर हैं और हमारे परिवार भी सिक्योर है। क्योंकि ऐसा होता था कि कर्मचारी 33 वर्ष के बाद जब रिटायर होता था तो उसको मात्र 2000 रुपये और 1500 रुपये जो थी वो महीने की पेंशन मिलती थी, लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि हम और हमारा परिवार जो है वो सिक्योर है। और जहाँ पर आर्थिक इसकी बात की जाए तो इससे जो आकलन किया गया है वित्त विभाग द्वारा, तो इसमें पाया गया है कि अगर ओपीएस बहाली होती है तो सरकार के ऊपर कोई भी बर्डन नहीं पड़ेगा, बल्कि 1500 करोड़ रुपए जो है वो सालाना बचत होगी। तो मैं मीडिया का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने यहाँ पर बहुत ही अच्छी कवरेज की है। और इसके साथ ही हमारे स्टेट से आए हुए हैं हमारे दिलीप जी, अब मैं चाहूँगा कि वो भी आगे आए और कुछ इस पे दो शब्द कहें। हमारे साथ दिलीप बाबू जी हैं और महासचिव हैं एनपीएस संघ के। क्या कहना चाहेंगे सर, बहाली? सबसे पहले तो हिमाचल दस्तक का मैं धन्यवाद करता हूं जो न्यू पेंशन स्कीम के कर्मचारी यहां इकट्ठे हुए हैं और बहुत खुशी का दिन है। आज हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी ने बहुत बड़ा दिल रख कर कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की है और हम 2015 से पुरानी पेंशन बहाली के संघर्ष में इनके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े थे। मैं तो पुरानी पेंशन से था कर्मचारी, पर आने वाली पीढ़ी के लिए हमने ये जरूर सोचा था कि नई पेंशन व्यवस्था को हम बंद करवाएंगे और पुरानी पेंशन जो है वो बहाल करवाएंगे। और आज के दिन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पुरानी पेंशन बहाल कर दी है और बेरोजगार युवाओं के लिए भी नौकरियों का प्रावधान करने की बात की है। तो मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है। और एक बार मैं फिर हिमाचल प्रदेश सरकार को आश्वासन करवा चुनाव होंगे तब भी जो कर्मचारी एनपीएस कर्मचारी हैं वो उन्हीं का कांग्रेस का ही साथ देंगे, सुखविंदर सिंह सुक्खू? बिल्कुल जी, इस बात से मैं बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ। और युवाओं को रोजगार की बात है, अगर ये 1 लाख युवाओं को नौकरियां देते हैं तो इसमें किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि दोबारा 2027 में कांग्रेस सरकार रिपीट नहीं होगी, ये जरूर रिपीट होगी और सभी वर्ग इसका साथ देंगे। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ एनपीएस संघ के महासचिव और उनके नेता थे, इनका साफ कहना है कि जिस तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने इनको जो है फायदा दिया है, इनकी ओपीएस बहाल की है, तो 2027 में भी फिर ये कांग्रेस सरकार का साथ देंगे और फिर जो है वो कांग्रेस सरकार को सरकार बनाएंगे। हिमाचल दस्तक से आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो पटाखे छोड़े जा रहे हैं और खुशी का माहौल है, देखिए लाइव तस्वीरें आपको जसिमपुर से, कर्मचारियों में खुशी का माहौल है और खुश हैं सभी कर्मचारी। और इनका साफ कहना है कि लड्डू भी बांटे जा रहे हैं और मिठाई, देखिए, और ओपीएस बहाल हुई है आज।
तो कर्मचारियों का साफ कहना है कि अब 2027 में भी वो सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को जो है वो सत्ता में लाएंगे, क्योंकि इसने कर्मचारियों का ख्याल रखा है, युवाओं का ख्याल रखा है। तो हिमाचल दस्तक से लाइव तस्वीरें आपको जसिमपुर से, पटाखे छोड़े जा रहे हैं और सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल की तकदीर है, सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल की तकदीर है, हिमाचल की तस्वीर है, तस्वीर है, सुक्खू भाई जिंदाबाद, सुक्खू भाई जिंदाबाद, आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं।